हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तिज जर्नल। आज का दिन है 1 अप्रैल एंड हम सबको आज ही निकलना है दिल्ली से जम्मू के लिए, तो हम सब पैकिंग कर रहे हैं और जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हाथ में पकड़ लेंगे कहाँ का पकड़े ही बात ये है। ये डालने के लिए बैग में जगह है वैसे, चेक इन वाले में अगर डाल सकते हो, चेक इन वाले में डाल दो, काफ़ी जगह है। और फाइनली इतना सारा सामान लेकर हम रेडी हो चुके हैं अपने सफ़र की शुरुआत करने के लिए, घर से निकलने के लिए। गाड़ी भी आ गई है और सामान उस पर लोड कर रहे हैं। माता रानी का नाम लेकर हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है और बस निकल पड़े हैं 2 सालों के बाद। हम जब निकले थे 1 अप्रैल को, वो फ्राइडे का दिन था और ऑफिस टाइम पे हम निकले थे 8 से 9 बजे सुबह के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था, बट बहुत जल्दी ट्रैफिक क्लियर हो गया था क्योंकि फ्राइडे को ट्रैफिक थोड़ी कमी होती है। और फिर देखते ही देखते भजन कीर्तन करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन T3 टर्मिनल पे। हमें पूरे 2 घंटे लगे ग्रेटर नोएडा से T3 टर्मिनल पहुंचने में। आपका हैंडबैग मम्मी? बैग है अपना, अपना बैग देखो सब लोग। गाड़ी में चेक करूं, हेलो, अपने आपको भी दिखाओ। और सिक्योरिटी चेक, हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया है, बोर्डिंग पास, मेरा पेपर स्प्रे जमा कर लिया गया, मेरा पेपर स्प्रे जमा कर लिया गया क्योंकि मैं आते जाते किसी यात्री को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। बट क्यों लेके क्यों आए थे आप? आउट ऑफ हैबिट, बचाने के लिए, आउट ऑफ हैबिट। और वैसे भी वो 3 साल पुराना था तो मुझे लगा रख लेगा तो कोई बात नहीं। ओके, ये मेरा तीसरा पेपर स्प्रे है जो एयरपोर्ट में जमा कर लिया गया, लेकिन मैं बाजी नहीं आती हूँ। चेक इन लगेज में रख सकते हो अगली बार। हाँ, एक्चुअली वो इतना मतलब आउट ऑफ हैबिट वो हमेशा कि मैं उसको नोटिस ही नहीं करती हूँ अपने उसमें। मेरा एक बार लाइट ऑफ के कारण मेरा चेक इन लगेज जाम हो गया था। चेक इन लगेज जाम हो गया था? वो रुक गया था। हाँ, बहुत दिनों के बाद आया था। अच्छा, When I was coming back from Mumbai, तो फिर आपने क्या पढ़ाई की, आपने पहना वहना क्या उतने दिन? बॉक्सर्स। एयरपोर्ट की चमचमाती दुनिया जिसे हम मिस कर रहे थे इतने सालों से, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। We are buying birthday gift for Vibhu. We have just bought a leather bag for him, a messenger bag. Vibhu channel. सामने थियोब्रोमा एंड स्टारबक्स है, वहाँ से मैं कुछ खाऊंगी। ओह, ओपनिंग सून है। अभी नहीं है, ओपनिंग सून। ये इंस्टॉलेशन भी हम नया देख रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार है, ये तो नया है। ये नया है ना? हाँ। ये सूर्य नमस्कार है ना सारे पोजेस? हाँ।
43 है ना हमारा। इतना सारा बैग मिल गया आपको पकड़ने को? यस। अब हमें माता पिता ढूंढना है। माता पिता कहाँ हैं? 43 तो और आगे है जी। गेट नंबर 43। लेकिन कैसे पापा? अभी आज ऑफिस से छुट्टी है आपकी? वन वीक ऑफ। One already week? Put a holiday reminder in the morning. कोई अपनी चाबी छोड़ के चला गया? सीट रिजर्व कर ली है। अच्छा, रुमाल रख के। तो लेंस अब वाइड फ्रेम पे सेट हो गई है। मम्मी और सुबी बहुत लगन के साथ किसी का भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आशा करती हूँ कि जब मेरा वीडियो आएगा तो वो इतनी ही लगन के साथ मेरा वीडियो भी देखेंगे। पुलिस आ गई तो किसी का कॉल नहीं टक गया। लिखा है कि नोट, देखो इसमें लिखा है इंसर्ट नोट स्ट्रेट। कैसे लोग होते हैं कॉइन घुसा के चले गए। मत करो यार, दे विल कम इन लॉ। हमने वेंडिंग मशीन से पैसे कमाए 10 रुपये। ये सक्सेस। ये पापा को दे दो पानी पीने के लिए। हाँ, रोली। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस बात की? क्योंकि जब मैं जबोंग में काम करती थी तो हमारे ऑफिस में एक वेंडिंग मशीन थी। उसमें मेरे पैसे फंस जाते थे और वो मशीन अटक जाती थी और कभी निकलता नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता था कि प्रोडक्ट निकल के नहीं आता था। तो आज मेरे पति ने मुझे उस वेंडिंग मशीन से, उसी वेंडिंग मशीन से एयरपोर्ट पे 10 रुपये कमा के दिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वेंडिंग मशीन से कुछ मिलता भी है। थैंक यू। या वेलकम। यू वांट टू गेट? नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉइन। सेम सेम कॉइन बट इन कॉइन बट इन बट इन कॉइन चैंबर। यार फंसे हो तुम बताओ क्या ले? वापस नहीं करते पैसे, वापस नहीं होगा। उधर से हिलाओ, उस तरफ से हिलाओ। नहीं। Yes! ठीक है। हमारी फ्लाइट 25 मिनट लेट हो रही है क्योंकि कोई और फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उसके पैसेंजर्स हमारे फ्लाइट में आएंगे तो अब उनका वेट हो रहा है और इसलिए फ्लाइट 25 मिनट लेट हो रही है। ये ट्रैवल का दिन पास आ गया था तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट और मैंने और भी ब्लॉगर्स को देखा और थोड़ा गूगल पे भी पढ़ाई किया। तो उसमें मुझे पता चला कि अगर आप जम्मू जा रहे हैं और आपको ब्लॉगिंग का शौक़ है या फिर अगर आपको जनरली भी खिड़की में बैठना अच्छा लगता है ताकि आप नज़ारे एंड सीन्स को इन्जॉय कर पाए तो जब दिल्ली से जम्मू जाते हैं तो आपको राइट साइड वाली सीट लेनी है, विंडोज़ वाली। तो विंडोज़ तो दोनों तरफ होती है तो आप एफ़
नंबर की कोई भी सीट ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको चेक करना होगा कि आप कहीं विंग्स के ऊपर ना हो, तो उसके विंग्स के आगे या पीछे लेनी चाहिए, क्योंकि जो विंग्स वाली सीट होती है उसका व्यू उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि विंग्स ही दिखाई देते हैं सिर्फ। तो मैंने सीट लिया है 28F। तो F नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको व्यू इन्जॉय करना है तो। यहाँ पर सब कुछ हरा हरा है, ब्राउन ब्राउन नहीं है इतना। हाँ। दिल्ली चले तो सारा कुछ काफी ब्राउन ब्राउन था, नीचे जमीन पूरी ब्राउन। हाँ। यहाँ ग्रीन पैचेस है ना। जैसे ही आपको चिनार की डेकोरेशन दिख जाए, समझ लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर पहुँच चुके हैं। गेस्ट हाउस पहुंच गए बहुत ही जल्दी, और गेस्ट हाउस इतना सुंदर था, लग रहा था जैसे वसंत का मौसम अभी भी यहाँ पे ठहरा हुआ है। और जैसे ही कोई अच्छी सीनरी मिलती है हम फ़ोटो खिंचवाना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मम्मी को फ़ोटो खिंचवाने में जितना मज़ा आता है, पापा को मम्मी की फ़ोटो खींचने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और गेस्ट हाउस तो था ही बहुत खूबसूरत। दूसरे दिन सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, और जो नज़ारा मुझे देखने को मिला था वो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा था कि मैं बस बता भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता कैमरे में वो खूबसूरती कैप्चर हुई है या नहीं हुई है, बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने ट्रैकिंग कैसे करी, हेलीकॉप्टर पर कैसे चढ़े, और वैष्णो देवी के दर्शन हमने पूरी परिवार के साथ कैसे किया। बने रहिए तृप्तिस जर्नल के साथ।